नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कांग्रेस की हार की वजह बताई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, भाजपा ने पूरे देश में कैरोसिन छिड़क दिया है, आपको एक चिंगारी चाहिए और हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह विपक्ष कांग्रेस की जिम्मेदारी है जो लोग, समुदाय, राज्यों और धर्मों को एक साथ लाती है। हमें इस तापमान को ठंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह तापमान ठंडा नहीं हुआ तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो वहीं एक कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि भाजपा चुनाव क्यों जीत रही है, कांग्रेस क्यों हार रही है, तो इसके जवाब में राहुल ने कहा कि ध्रुवीकरण और मीडिया का कुल प्रभुत्व ने भाजपा को फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा आरएसएस ने भी एक ऐसी संरचना का निर्माण किया है जो बड़े पैमाने पर प्रवेश कर चुकी है। विपक्षी दलों और कांग्रेस को इस तरह के ढांचों का निर्माण करने की ज़रूरत है और हमें इसे एक साथ करने की ज़रूरत है। राहुल ने यह भी कहा कि भारत के लोग उन संस्थाओं पर हमला देख रहे हैं जिन्होंने देश का निर्माण किया है, इन संस्थानों पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। आपको बता दें कि राहुल के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, राजद नेता तेजस्वी यादव और मनोज झा समेत कई विपक्ष के नेता पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।